देखिए जो 24 तत्व हैं उसको जानना एक बार जरूरी है। 24 तत्व में एक तत्व है जिसको परम तत्व कहते हैं, बाकी सब उसी के छाया है ना कि वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। ये दिस जगत ये माया है, ये कुछ है नहीं, कुछ है नहीं ऐसा नहीं, ये जो है उसका सही रूप नहीं दिखता है, ये उसी के साथ है जिसको परम तत्व कहते हैं। जैसे हाथ है, हाथ का इमेज इमेज है, लेकिन इमेज हाथ के साथ है, इमेज हाथ में मर्ज कर जाएगा, इमेज निकल भी आएगी, इमेज हाथ से बड़ा भी दिखेगा छोटा भी दिखेगा, डिपेंड करता है कि प्रकाश किस दिशा में रखे हैं। ऐसे ही जिसे हम चित्त कहते हैं, जिसे प्रभु का रूप कहते हैं, इसकी जो छाया है इमेज है उसी को चित्त कहते हैं और इसी को हृदय कहते हैं। कहते भाई हृदय से काम करिए, हृदय से कैसे काम करेंगे? नहीं, जब आपको इस चित्त की अनुभूति होती रहेगी तब आप हृदय से काम कर रहे हैं। ये चित्त क्या है? जैसे हाथ है, ये हाथ क्या है? ये परम तत्व का एक साकार रूप है। जब ये अनुभव करेंगे तब आप इसके साथ हैं, तो ये चित्त चित्त के साथ है, तब आप हृदय के साथ हैं। लोग हृदय का मतलब कहीं कहीं देखिए ना, आश्रम कहते हैं हृदय पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेडिटेशन करिए, तो उनको हृदय कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये चित्त है, इसके बाद अब देखिए जैसे चित्त हुआ, यहाँ से यहाँ बीच में दूरी बढ़ी, दूरी को ही माया कहते हैं, यही माया हुआ। तो अब इस चित्त की रक्षा की बात आई, यहाँ पर तो रक्षा की बात ही नहीं, अमरता का अनुभूति है। जब चित्त हुआ, हार्ट एलिमेंट हुआ, तब एक विचार आता है कब कैसे रक्षा होगी। तो इसके बाद एक नई शक्ति प्रकट होता है जिसको ईगो कहते हैं, ईगो को जीव भाव कहते हैं, और सांख्य दर्शन में इसी को अहंकार कहते हैं। ये जो है ईगो और अहंकार, ये चित्त की रक्षा करता है। ईगो को कैसे समझें हम और क्लियरली? ये हीलियम एटम है, ये इसमें दो प्रोटॉन हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो निगेटिवली चार्ज कहे जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में घूमते रहते हैं, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो प्रयोग किया गया, इसके घूमने को उलट दिया गया मैग्नेटिक प्लेट से, तो ये अपने आप उलट लिया। तो इसमें दोनों एक नहीं होना चाहते हैं, इसे कहते ईगो। हम आप एक दूसरे बहुत मानते हैं, लेकिन चलिए इस कमरे में चले, निकल के आएंगे तो दोनों गायब हो जाएंगे, 30 आदमी आ जाएगा तो कोई नहीं जाएगा कमरे में। नहीं भाई, हम दो लोग रहेंगे, एक दूसरे के लिए जिए मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कमरे में जाए दो गायब हो जाए एक आ जाए, पता नहीं क्या हो। तो ये पावर है, इसी कहते ईगो पावर। यहीं से जीव भाव प्रकट होता है, हम जीव हैं, जीवात्मा है, आत्मा है। फिर इसकी रक्षा करने के लिए हमारा जीव भाव बना रहे तो बुद्धि पक्ष प्रकट होती है, और बुद्धि और मन ये प्रकट होता है। तो बुद्धि और मन क्या करता है? ये बुद्धि का काम है कि ये ईगो से जुड़ना, ऊपर की तरफ ले जाना। तो अगर सब चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी तो सिम डिजॉल्व हो जाएगी, तो इसकी रक्षा कहाँ होगी? ईगो बना रहे, ईगो बना रहे तो बुद्धि प्रकट हुआ इसको बनाए रखने के लिए। लेकिन बुद्धि जब ईगो की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ जाएगी तो ये समाप्त हो जाएगी। तो ये बना रहे इसलिए मन प्रकट हुआ। तब मन प्रकट हुआ तो मन कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि मन जब बुद्धि से मिलेगा तो मन गायब हो गया, तो दोनों मिलना नहीं चाहते हैं, और मिलेंगे तो फिर ख़त्म हो गया। तो इसकी रक्षा करने के लिए 10 इंद्रियां बनाई गई। अब मन इंद्रियों के सहारे रहता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। नहीं, खाना खाई बिना नमक के खाइए, क्या होगा? दीर्घजीवी होंगे। अरे यार, हम 20 साल कम जिएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई 20 साल कम जिया कि ज़्यादा जिया, मरेंगे एक दिन सब। नहीं भाई, अमर हो जाएंगे ना, नमक ना खाइए, ये हम नहीं मानते। तो इस तरीके से क्या है कि मन इंद्रियों के वश में होता है, तो इससे मन बहिर्मुख होता है। अब इंद्रियों की भी डर है कि अगर इंद्रियाएं इनकी रक्षा के लिए कुछ नहीं बना तो ये भी गायब होने लगेंगी।
इनकी रक्षा के लिए विषय वस्तु बन गया, जिसको तन्मात्रा कहते हैं, सूक्ष्म विषय। जैसे स्थूल का सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं पड़ता, पानी का भी सूक्ष्म है, तो ये पांच है तन्मात्रा। अब तन्मात्रा जो सूक्ष्म आसमान है, सूक्ष्म हवा है, सूक्ष्म अग्नि है, सूक्ष्म पानी है, सूक्ष्म पृथ्वी है जो दिखती नहीं है। बाइबल में है ना कि गॉड मेड अर्थ वॉयड फॉर्मलेस, जेनेसिस में। तो ये है, ये सब पांच तन्मात्राएं क्या हैं, पांच ज्ञानेंद्रियों का वो विषय जो अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म भी ये गायब होने का डर है। तो इसकी रक्षा कैसे होगी? इसकी रक्षा होती है जब पांच तत्व बन जाते हैं। ये है आकाश, ये है वायु, ये है अग्नि, ये है जल, ये है ठोस, पृथ्वी के नाम से जानते हैं। ये पांच बनाए। अब हमारा ये तन्मात्रा पांचों से जुड़ा है, पांचों तन्मात्रा में, तन्मात्रा पांचों में बदलता रहता है। इंद्रियाएं बिना इनके रह नहीं सकती हैं, तब सब अपने अपने में हैं। तब देखिए कितने तत्व हो गए, ये चित्त अहंकार बुद्धि मन चार, ये हुआ 10 इंद्रियां हुई, 10 × 4 = 14 हुआ, 5 तन्मात्रा, 14 × 5 = 19 हुआ, और 5 स्थूल तत्व, ये 24 हुआ। ये 24 तत्व सिर्फ माया है, इमेज है, लेकिन ये इमेज ऑब्जेक्ट के साथ है। अगर ऑब्जेक्ट भगवान है तो उसके साथ है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसे शरीर को हम एकाग्र होकर के इसमें, इसके प्रति अपनी सद्भावना बना के रखें, इसी को पकड़ने में ही हमारी कल्याण है। पैर हमारे बिगड़ने न पावे, गठिया होने न पावे, ये चीज़ होने न पाओ, 24 घंटा हम सिर से पैर की उंगली तक इसी रक्षा में लगे हैं। जो विचार इससे रक्षा हटाए उसको हटा दिए, सब कुछ हटा दीजिए, तब उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ जुड़ जाते हैं, जैसे महातार बाबा अभी तक सशरीर है। तो ये 24 तत्व, ये जब आप होली साइंस पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा ये दूसरी तरीके से। तो इसको जानना इसलिए ज़रूरी है, बिना सब जाने ठीक थोड़ी हम कर पाएंगे। कोई कह दे हम कपाल भाती बताए ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला, क्योंकि तेज सांस लेना मना है वैज्ञानिक तरीके से। जैसे हम खाना खाएं उल्टी कर दें, तो खाना खाए क्यों? हम सांस अंदर गई, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, निकाल के बाहर कर दिए, ये अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक है। इसलिए वो सब कराने वाले कोई आत्मज्ञानी नहीं हुए आज तक। इसको कबीर साहब, नानक देव जी, योगानंद, किसी ने नहीं कराया सब।